उठ बे, मैं जाने से पहले पूरे घर को इरिटेट कर रहा हूँ, एक बार उठ जा। 8 बज गए, अभी तक सो रहा है। उठ चल, 5 रुपये आऊंगा, उठोगे मिलियो, ठीक है? पक्का? ठीक है चल, अब जाऊं भैया के रूम में। अबे ये तो है ही नहीं, ये पहले उठ गया। ओए 5 मिनट महाराज जी, मैं बहुत मारूंगा, ठीक है? अभी देर से हम लोग आ गए। सेवा? ठीक है चल आ जा। भाई नमस्ते। नमस्ते। अब कैसे तबीयत है भाई आपकी? ठीक है। अब रिलीफ है? भाई को जुखाम हो गया था, और गला जुखाम बुखार भी था, बहुत बीमार हो गए थे भाई बीच में, अब ठीक है। बट और मैं 5 मिनट के बाद करेक्ट करण के रूम में आया और ये उठ गया है सच में। छोटू मैंने उठा दिया अभी, ये सही करा है नहीं? सही। अच्छा मैंने अब देखा है ये साड़ी पहनी हुई है, कैसी? ये माता रानी की नवरात्रि में देख रहे हैं। ऐसे तो बहुत कॉम्बिनेशन आपके पास, आपके पास उनकी भी है, कृष्ण जी की है ना, कृष्ण जी की, राधा जी की, राधा कृष्ण की, मतलब सारी है मेरे पास। सब मैच करके फेस्टिवल से पहनती हो? बिल्कुल। चलो अच्छा है भाई, लाओ मैं इनके भी पैर छू लूंगा, अपनी माता के भी। नहीं है अच्छे, मैं से डांटना आपको डराने लगा था, चलो आगे क्यों घर मंथन लाके दे दिया, अब मुझे दिख रहा ना 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 मम्मी को एक मेरे को भाभी से करके भी पूछ रहा कि वो कान का है, कान है कान का पूरा गंदा हो जाए, एक वो समझ जाएगी मैंने कुछ होया। देख रही है कान का है, कान 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 तू पिटने वाली है क्या? हाँ। मेरे पीछे दबा कर रही है, यूं कर रही है, मोम आज मारेंगी मुझे। इसे मैं डेली कह रही साड़ी पहन ले, साड़ी पहन ले। हाँ। पहनी ना भाई, पीछे तुमको पीछे साइड में साड़ी का बड़ा शौक है, साड़ी पहनूंगी मैं, सर करूंगी। अब फिर देखो सूट पे आ गई भाभी, आप मुंह थोड़ा नीचे कर लो, सच में दिख नहीं रही हो, अपने हाथ हटाना भाभी, पहन के घूम है, खुद ऐसी घूम रही है। अब मत मार, चल अब मत डांटी हो, है पर पहले ना कल भी सूट में मिलेगी, कल साड़ी पहनूंगी मम्मी, वो कहा है कल नहीं तबीयत खराब, मैं साड़ी सूट नहीं पहनूंगी। मैंने कहा अगर मेरी तबीयत सही रही तो मैं साड़ी पहनूंगी, पर मैंने कहा तू साड़ी ही पहनना। अरे नीतू बच गई, नीतू आज आज पिटाई हो रही है, मेरे पीछे इसकी तो हो ही रही है पिटाई। हैं मम्मी पूछ रहे हैं वो कहा है? मैंने बचाई है, उसे कह रही भाई बचा लो, मैं तू मेरे पास खड़ी रह, चिंता मत कर, जवाज मेरे पास भाग के आ जियो। मम्मी पूछा तो कहां गया वो, क्यों डांट लग रही है? अरे तेरे भाई के पीछे तू, मम्मी क्यों छुप रही थी? पूछ ले से, मम्मी बता देगी, मम्मी बताओ तो सही यार, साड़ी नहीं पहनी इसीलिए? हां मेरी साड़ी देखिए, देख ओहो माता रानी ऐसी मेरे लिए तो साड़ी आपने बनवाई, खूब साड़ी है ये पहन, जब मेरे घर में कैसे पहनेंगे? अरे मैं तो ब्लाउज करा है, फिर इसके ब्लाउज तो कोई पहन ले, कान कौन है लोगों को बता दो, एंट्री बंद मम्मी, कान कौन है इसका? गुची गुची मम्मी, मैंने नहीं बताया उसका नाम कान, मम्मी को पता है, क्यों उसकी साइड हो गई दानव, कौन है दानव? गुची को दानव से कहा भाभी, आपने ऐसे कर दिया, आपने मुझसे पैदा मार छीन लिया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तू इधर आवे, तू मेरे पैर दबा, भागो भागो, दिखोगी नहीं, बासु दिखेगी नहीं, नहीं 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 नहीं, कैसे खेल लिए भाग भाग के, उछल उछल के, इतने खुश क्यों है? नाली में सुबह ये मुझ पर हमला हो गया, सुबह से उठ के सुबह 6:30 बजे कमरे में क्या कर रहा है? मैंने आज सुबह सुबह 7 बजे से उठा दिया जाके। हाय 10 कमियां, ओए हाय 10 कमी वाली बहू, कमियां लक्ष्मण मुझे क्या बोले जा रहा है? अभी सही करता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ दोनों को। हाँ कौन सा बोल रहा है ज्यादा? दोनों को नहीं,
गुच्ची पूछेगा तो बहुत इधर, एक किलोमीटर वाले कान का पूछेगा तो बताएगा ना। स्टोरी है क्या, एक बार दिल्ली में अवार्ड मिला था, ये बड़े बड़े अवार्ड वाले लेने के लिए वहाँ पे बारिश पड़ने लगी, फिर रिक्की गया, रिक्की ने एकदम से नाटक दिखाया कि ऐसा है मैं ऐसे अवार्ड शो में, एकदम से इसने गाड़ी के चक्कर ऐसे कोल चक 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 ऐसे होने लगा, फिर एकदम से रिक्की घर आ गया तो पापा ने बोला बेटे तू ब्लॉगर नहीं तू चूतिया है, गजब बेइज्जती है। लड्डू डांट इसको, दस कमियां और तू भाभी को कुछ मत कह, इसको डांट। ये क्या कर रहा तूने, ये हो गया रिकॉर्ड, ये सीनियर पू जूनियर पू को सुला के जा रही है। लड्डू एक चीज तो बता, इसका एक कान कहाँ गया? शीरोने से बहुत बड़ा हादसा कर रहा है। तो एक काम कर, जैसे शीरोने के कान काट लिए ना, तू भाभी से डाके गए, चलो तो बारिश हो रही है, मैंने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, मैं आज आपकी लड्डू दीदी पू दीदी को गाड़ी तक छोड़ने जा रहा हूँ, बाहर मत निकल रही हो। चलो लड्डू गेट खोलो, अच्छा अच्छा आगे करो, कितना ध्यान रखती है अपना। और अब मैं एक चीज़ बोलूँगा, सुन रास्ते में किसी से लड़ी हो मत, ठीक है, ये बहुत लड़ाकू है। तो भाई हमारे घर के मेन डोर में ड्राइंग रूम में तो वीडियोस बने जा रही हैं, रील बननी है, वो डोर कर दिया क्लोज, मैं और छोटू हो गए हैं बाहर बंद, तो अब हम अम्ब्रेला से दूसरे गेट से जा रहे हैं। चल छोटू चलो, बाल्टी रखी नीचे, बाल्टी कौन छोड़ के भाई, बहुत फिसलन हो रही है, मैं गिरना जाऊँ। छोटू पकड़, हाँ ये देखो पूरे, अरे है भी मार्बल ऐसा क्या फिसल जाएंगे, एक सर देखो पूरे दिन हंसता है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अगर आपको कोई भी ऐसे कमेंट दिखे, जो पेज है हिट मी टेलीग्राम रिस्की रिक्की, ये कोई फ्रॉड है, ये स्कैमर है, नए नए नाम से पेज बनाता रहता है, अगर ये आपके कमेंट का कभी भी रिप्लाई करे और ये लिखेगा कॉन्ग्रेचुलेशन विनर मैसेज मी राइट नाउ, और ये है भी कोई गंवार, इसने मैसेज को मसाज लिखा हुआ है, तो ये कोई तो ये फ्रॉड है, इसको कोई मैसेज मत करना, ये आपसे ना पैसे लेगा, आपको ठग लेगा ये। इधर आ तू चोर, ये सैंडविच किसकी है? मैं चेक करूँ, खराब तो नहीं है? अच्छा एक आइटम होगी ना, वापस रख दे। ये मैंने अपने सैंडविच मंगाई है, और ये हमारे घर का छोटा बच्चा भूखा था, किसी ने माया जो दिख गया वो खा लिया, इसकी डिप भी है, डिप लगा के खा, और बस एक ही पीस,